नमस्कार दोस्त, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी और जो छठा अध्याय है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, बोधायन प्रमेय। कुछ लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, लेकिन ये रियल में पाइथागोरस प्रमेय न होकर बोधायन प्रमेय ही है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले जो महर्षि बोधायन थे उन्होंने इसको बनाया था। अब उसकी कॉपी करके कोई विदेशी अपना बना ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के बहुत सारे आविष्कार विदेशियों ने चुराए हैं, है ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो आप इसको बोधायन प्रमेय बोले, नवी क्लास में ये प्रॉपर दी हुई है ना। और एनसीईआरटी वाले चोर हैं, जो विदेशियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, भारतीय चीजों को कम तवज्जो देते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको हमेशा बोधायन प्रमेय ही बोले। तो हम इस प्रमेय को करने जा रहे हैं। देखिए ये प्रमेय क्या है। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो देखिए यहां पर हमको क्या सिद्ध करना है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जो दे रखा है वो तो हम देखेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। हमको दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप होना चाहिए, त्रिभुज एबीडी और समरूप होना चाहिए त्रिभुज ईसीडी। ये कोई बड़ा बड़ा तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होने चाहिए। अब चलिए यहां पर उत्पत्ति कर लेते हैं, ये हमारी मेन चीज है। तो देखिए पहले हम त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी ले लेते हैं। एबीडी में देखिए ये जो कोण बी है, कोण एबीडी वह कोण एबीसी उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। कैसे उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण है ये, है ना। ये बड़े वाले पूरे त्रिभुज में काम में आ रहा है ये वाला, और इस छोटे वाले में काम में आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ है तो बराबर तो होंगे होंगे, है ना। इसको वह की जगह बराबर लिख देते हैं, दोनों बराबर है। उसके अलावा यहां पर कोण डी, पहले बड़े वाले में लेते हैं एबीडी एबीसी, बड़े वाले में लेते हैं कोण ए और इस छोटे वाले में कोण डी। देखो इसमें ये कोण 90 डिग्री का है और इसमें ये कोण 90 डिग्री का, दोनों नंबर 90 के हैं तो बराबर तो होंगे ही होंगे। अब देखिए आप जानते होंगे जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लगाएंगे डबल ए समरूपता नियम से, डबल ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीडी के, एक नंबर दे दिया। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एसीडी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहां पर एसीडी एबीसी की बात करें तो एसी बी ले लेते हैं, ए सी पी ये वाला कोण बराबर होगा किसके, ए सी डी के, क्योंकि एक ही कोण है दोनों। तो यहां पर लिखेंगे हम उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और ये जो कोण है डी और यहां पर ये जो कोण दिख रहा है ए, तो कोण ए बराबर कोण डी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में भी दो कोण बराबर हैं तो डबल ए समरूपता नियम से, डबल ए समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, मतलब त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए सी बी, दो नंबर, ठीक है। अब देखो समीकरण एक और दो से, देखो समीकरण एक व दो से पहले का ये आ रहा है त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीडी के, एबीडी है ना, और किसके एबीसी समरूप है एसीडी के, मतलब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं एबीडी और एसीडी, एबीसी यहां से समरूप है त्रिभुज एसीडी के। ये चीज हमको सिद्ध करनी थी यहां पर, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना इन छोटे वाले त्रिभुजों के समरूप ही होगा। यहां पर हमें क्या करना था, ये चीज हमें सिद्ध करनी थी। लास्ट में बोल रहा है कि तथा परस्पर
दोनों भी समरूप होंगे। तो यहां पर देख लीजिए, इस चीज से आप पहचान पाएंगे कि त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज एसीडी के। तो हम एक लाइन में दोनों के आंसर मिल गए यहां पर हमको, ठीक है। तो ये हमारी बोधायन प्रमेय थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी एक प्रमेय और है 6.8, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।